Subscribe to my channel and press the bell icon. फ्रेंड्स ये देखिए मेरे सामने एक लिटिल चैंप है और क्या नाम है इनका? आरव। अरे भैया मैंने बोला ना आपने गिरा दिया है यार, अभी स्टार्ट किया था तो दोबारा फिर से स्टार्ट करना। देखिए फ्रेंड्स ये ट्रॉफी के बीच में ये बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी भी चाहत होगी बड़े होकर के किसी दिन इस तरह की ट्रॉफीज को जीते। अभी तो ये माइनर है, बहुत छोटा है, जब 18 प्लस 18 प्लस का हो जाएगा और जरूर किसी न किसी क्लब में जाएगा, इसकी चाहत ही बता रही है। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स इसका जो है थम्स अप करने का स्टाइल भी देखिए, बिल्कुल एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ओके थैंक यू वेरी मच। ट्रॉफी की डिमांड है, चलो पकड़ करके आप उधर दिखा दो, उधर दिखाओ। ये देखिए फ्रेंड्स लिटिल चैंप, देखो यहाँ देखो लिटिल चैंप, थम्स अप करते हुआ। ये सर आ रहा सुमन घोष सर, हेलो, हर कोई जानता है आपसे ज्यादा कहाँ दादा, वीडियो में आप ही लगते हो, लग रहा है मुंबई जाने वाले हो। मुंबई नहीं बिता नहीं। फ्रेंड्स मेरे साथ दो यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं और ये बहुत जबरदस्त हैं और इन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है। आप अपने चैनल का नाम बताइए। काइट फाइटिंग बाय रोहित। काइट फाइटिंग बाय रोहित, मेरे ये राइट हैंड साइड पे खड़े हुए हैं और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप दबंग काइट चैनल। दबंग काइट चैनल, दबंग काइट चैनल का मैंने एक दो वीडियो देखा था और बहुत ही अच्छा बनाया, अभी इन्होंने इस टूर्नामेंट का बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था और आपने भी बनाया हुआ है। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोग इनके चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है यूट्यूबर्स की एक लॉबी है, जबरदस्त लॉबी, ये सारे के सारे वहां से लेके यहां तक सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं। और ये देखिए मेरे को एक स्कार्फ दिया गया है और बब्लू भाई ने दिया है, ये पीछे से लाके पहना दिया, सामने से डर रहे हैं ना, टोपी भी आ गई। अच्छा चलिए टोपी भी पहना दिया, सब पीछे से हो रहा है फ्रेंड्स, आगे से कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये यूट्यूबर्स की लॉबी है, ये इनके सारे स्टैंड्स वगैरह देख सकते हैं, बड़ा जबरदस्त है और ये पूरा जो है दुनिया में ये खबर फैलाएंगे। और D&D 2021 का जो आज फाइनल हो रहा है इसके लिए ये लोग भी शूट करने आए हैं। मैं सभी को बेस्ट विशेस देना चाह रहा हूँ और सब अब इनके चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनके चैनल को ग्रो करने में मदद करिए और बहुत अच्छी तरह से जो है ये वीडियोस वगैरह बना करके अपलोडिंग करेंगे, ऐसा ही मैं सोचा रखता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स सारे थम्स अप कर देते हैं एक साथ। थम्स अप। हिप हिप। हुर्रे। हिप हिप। हुर्रे। हिप हिप। हुर्रे। ये देखिए ये यूट्यूब का पावर है और थैंक्स टू यूट्यूब, यूट्यूब ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो सुपर्ब है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सभी लोग हम लोग मिल के काम करते हैं और फ्रेंड्स धीरे धीरे सभी लोग ग्रो कर रहे हैं। कुछ अच्छा तो भाई एक सर्किल लेकर के ऐसे घूम जाओ, बड़ा दूर करवाओ यार, नहीं सही है, बस इतना करवाओ सही, इतने भाई थोड़ा खुल खुल के खड़ा हो जाइए, गुलाई में सब आ जाए, एक तरफ से मत होइए, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, बड़ा बड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, जरा सा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। यो चैन पे भाई साहब, आप क्या चाल रहा है? ठीक है ठीक है। सबके भाई, सबके भाई थोड़ा सा और दूर मोटरसाइकिल खड़ी कर दे। हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं बुजुर्ग आदमी, अगर कुछ कुर्सियां वगैरह एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो भाई इधर दे दीजिए। जाओ जाओ अंदर जाओ यार, साल अंदर आ जाइए, नजर ही नहीं आ रहे यूट्यूबर सोमेन घोष, सुमन घोष। अब हमारा नेक्स्ट इनाम का कैटेगरी यूट्यूबर सोमेन घोष के तरफ से
पेश किया जा रहा है। सोमेन घोष अपने तरफ से जो जो इनाम देना चाह रहे हैं वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा दो मिनट वेट करिए, इनाम वगैरह ला करके टेबल पे रखता हूँ और यहीं से शुरू करता हूँ। एक दो मिनट का पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। अब एक बहुत यूनिक इनाम आने जा रहा है, प्लीज हल्का सा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। 15 दिसंबर से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और ये टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत था। और इस टूर्नामेंट के अंदर आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा है तो वीडियो के अंदर आप इन दोनों बच्चों को देखे होंगे और ये बहुत ही कम कपड़े में इस मैदान में आते थे। और इस कड़ाके की सर्दी में अगर मैं अपनी चैनल की तरफ से कुछ देने की घोषणा करता हूं तो सबसे पहले इन बच्चों को देने की घोषणा करता हूं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे काम को करने के लिए, एक अच्छे काम को करने के लिए शुरू से लेकर एंड तक पहुंचाने के लिए जो है छोटे बच्चे गरीब बच्चों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर हम इनकी मदद करते हैं तो हमारा भगवान हमारा खुदा भी हमसे खुश होता है। तो लो बेटा ये वेल सेड वेल सेड। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जब ये बच्ची आज मैदान में आई थी तो उसने ये नीचे का कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। आप ये समझ लीजिए कि इतने ठंड में ये बच्ची आई हुई थी और रोज आती है। और मैंने सबसे पहले इसमें से जो पैंट निकाल करके उसको पहनवाया, इससे पहनवाया, फिर उसके लिए बाकी ये सब जैकेट्स वगैरह टोपी और सॉक्स ये इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और आप लोगों को जो है मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे एकत्रित होने के लिए। थैंक यू सो मच। इससे बढ़िया कोई इनाम नहीं हो सकता है, ना नकद का, ना शील्ड का, ना ट्रॉफी का, इससे बढ़िया कोई इनाम नहीं है। फ्रेंड्स इनके लिए मैं पतंग भी लेकर के आया था, पतंग मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद दे दूंगा या तो मैं किसी भी क्लब गाइड फाइटर को दे दूंगा वो दे देगा इनको। लेकिन पतंग से ज्यादा जरूरी फ्रेंड्स ये ड्रेस था और वो मैंने इनको दे दिया। तो अब मैं अपने साथ जो प्राइज लेकर के आया उसको देने और मेरे पीछे सारे प्राइजेस रखे हुए हैं वो मैं एक एक करके भाई थोड़ा सा साइड में आप लोग थोड़ा सा साइड में टेंट भी ऐसी लगाओ तो शादी भाई ये हमारे सारे कैमरामैन छुप गए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए भाई, वो थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। फ्रेंड सबसे पहले मैं ग्रेट काइट क्लब की तरफ से मन्नू भाई को बुलाना चाहूंगा। ग्रेट और बहुत अच्छा सत्ता हमारा आपने। और जब मैं आया था वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 2 पेज का वीडियो बना पाया, लेकिन आपने जो पतंग जिस तरह से ऊपर से लहरा करके और आसमान में खींच खींच के काट दिया वो बहुत ही बढ़िया था। जिस कंपनी का चावल पहले मार्केट में जो है बहुत सारे चावल क्लास कंपनी है, जेन्युइन है। थैंक यू वेरी मच। वो 1100 रुपीज का वो लिखा हुआ है ये दे दीजिए। 1100 रुपीज अपने चैनल की तरफ से काइट प्लेयर सुमन घोष की तरफ से पहला सत्ता मार रही है। मन्नू भाई आया, मन्नू भाई ग्रेट काइट क्लब, मन्नू भाई चल ले ले लो। अरे आपके आप ले लो, अरे आपके लिए मन्नू आ चल लो, बड़ी वाली भी दे देंगे हम। अच्छा अब मैं चौधरी काइट क्लब की तरफ से बुलाना चाहूंगा भाई को फोर्थ प्लेस के लिए। चौधरी काइट क्लब आपके प्लेयर्स कहाँ हैं सारे? मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ। चौधरी मेरे सामने ये चौधरी काइट क्लब के मेंबर्स हैं, इधर आ जाइए। ये माथुर जी, अरुण और मनोज और आदर कुणाल, ये चारों मेंबर हैं चौधरी काइट क्लब के। फ्रेंड्स मैं बताऊं कि 32 टीम में आपका जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है
और इस टीम को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद भी अपने बलबूते के अंदर जो है ये सेमीफाइनल तक पहुंचा और बहुत अच्छा इन्होंने पहले कट गया। इनके अगेंस्ट में जो टीम थी ताज काइट क्लब, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसने कई बार टूर्नामेंट जीते हुए हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, लेकिन इनका एक्सपीरियंस कम था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहुंचे हैं। तो अरुण भाई को मैं ये देता हूं फोर्थ प्लेस के लिए, और अरुण विश यू ऑल द बेस्ट। 2100 रुपए वाइट टायर सोबेन घोष चैनल की तरफ से 2100 रुपए है ये। अच्छा, थैंक यू सो मच, अगली बार और मेहनत करना। नेक्स्ट कैटेगरी ताज काइट क्लब की तरफ से बुलाना चाहता हूँ, ताज काइट क्लब। हर्षान आइए, और कहाँ है, और भी तो मेंबर थे। जावेद भाई कहाँ है, जावेद भाई का पिता ही टाइट कर रहे हैं, बोर हो गए क्या? आइए इधर आइए, नहीं आइए ना, ये पकड़ा, ये सारे बोर हो गए। जूता छुपा दिया उसका, ऐलान कर दो, वही किसको छुपा दिया, किसको छुपाया है, ये तो बिचारे भाई का जूता है, छुपाया वो दे दे भाई, भाई जूता जिसको छुपाया दे दो यार, इनका जूता खरीदाई में सही है। हम आगे बढ़ाएंगे, ये जो थर्ड प्राइज है ये ताज काइट क्लब को दिया जाता है, और ताज काइट क्लब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बढ़िया पेज लड़ाया, और इनकी पीएच की भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, आप लोग देख सकते हैं। और मैं ये जो है शाम के हाथ में देता हूँ, 3100 रुपीज का है। बहुत बढ़िया, आपने इस टूर्नामेंट में दोनों ही है, गलत हो गया, पंगा गलत पड़ गया। पब्लिक कम हो गई है, इनाम कम नहीं हो रहा है, आगे आगे देखिए। मैं फर्स्ट रनर अप के लिए बुलाना चाहूंगा सुपर इंडिया काइट क्लब को, सुपर इंडिया काइट क्लब से जो जो लोग भी है सामने आए, सुपर इंडिया काइट क्लब थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए कैमरे वालों के लिए, हल्का हल्का था, जगह बना लो, जगह बना लो, हल्का हल्का स्पेस दे दीजिए। क्या भाई फ्रेंड्स, मेरे साथ जो है खड़े हुए सलीम भाई, और सलीम भाई जो है कैप्टन है सुपर इंडिया काइट क्लब के, इनका काइट क्लब जो है बहुत पुराना है, और इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा टूर्नामेंट जीता हुआ है, ऑल इंडिया जीता हुआ है इन्होंने, और लोकल टूर्नामेंट भी 15-16 बार इन्होंने जीत रखा है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है अभी, और इनको जाता है ये सेकंड प्राइज। ये सेकंड प्राइज मैं सलीम भाई को विथ रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ, बहुत ही सीनियर क्लब है फ्रेंड्स, और उसके अलावा जो है 4100 रुपीज का ये प्राइज भी इन्होंने। अभी बाकी है, अभी बाकी है भाइयों, 10 मिनट और बस। फ्रेंड्स, अब जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो विनर का है, और विनर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सलीम भाई को। पहले मैंने सलीम भाई को सुपर इंडिया गाइड क्लब के लिए बुलाया था, अब मैं सलीम भाई को बुलाऊंगा जेके गाइड क्लब के लिए। प्लीज आइए, आगे आइए, और जो वाइनरी में बाकी मेंबर्स भी आइए, थोड़ा तो स्पेस, हल्का तो स्पेस। जेके काइट क्लब विनर ऑफ ईएनडी 2021 ये सलीम भाई को देता हूँ, उनकी टीम को देता हूँ। नदीम तुम भी एंड दिस इज 5100 रुपीज टू सलीम भाई विनर के लिए है। ये तुम पकड़ लो, ये पकड़िए।
थैंक यू सर, थैंक यू। एक और चांस दीजिए मेरे को। अभी जाइएगा नहीं। मैन ऑफ द सीरीज साइड प्लेयर सोमेन घोष की तरफ से। आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, बच्चों को रहने दो, बच्चों को रहने दो, बच्चों को रहने दो। जरा ये निकाल लीजिएगा जिंदर भाई। हाँ जी, हाँ जी। मुझे मान दो, मुझे मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए सुहेब को फिर से बुलाना चाहूंगा। आज एक क्लब ये सुहेब के लिए है और ये मैन ऑफ द सीरीज का है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है और ये बंदा भी बहुत खूबसूरत है। और इसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये प्लेयर सिर्फ ताकतवरी नहीं है, ये प्लेयर ताकतवरी नहीं है, ये प्लेयर दिमाग से भी पेच लड़ाता है। क्योंकि मैंने इसको डे वन से ऑब्जर्व किया है। एक पेच में अरुण का बताता हूँ, वो आप लोग वीडियो में बाद में देखिएगा। अरुण नीचे से लड़ा रहा था और लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये राइट हैंड साइड पे था। अरुण नीचे से आया, अरुण ने क्या किया, अपना पतंग ऊपर चढ़ा दिया। सुहेब बाहर निकला, सुहेब बाहर निकला, उसने पट मारा। ये इतना समझदार है, इसको पता था कि 100% पेच कट जाएगा और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन सुहेब ने अपने दिमाग की बत्ती ऑन रखी और उस पेच को बचा लिया। और उस पेच को बचाया कहाँ तक, जब जमुना का 8-10 फीट रह गया था। फिर उसके ऊपर ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ये याद रखिएगा। और ये मैं देता हूँ सुहेब को मैन ऑफ द विनर के लिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुहेब भाई। यूट्यूबर सोमेन घोष के तरफ से थैंक यू सर। दिल्ली में जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें मंसूर भाई का भी नाम है, उसमें ग्यास भाई का नाम है, उसमें नदीम भाई का भी नाम है और उसमें मैं आपको बताऊंगा अजहर भाई का नाम है। बड़े बड़े नाम है, उसमें एक नाम ये भी शामिल हो गया। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये हिंदुस्तान में भी अपना जलवा बिखेरेगा। आप देख लेना अगर मेरी बात गलत हो जाए तो, जिस कोने में जाएगा इससे बचना पड़ेगा बड़े बड़े प्लेयरों को। अभी एक प्राइज है ये दादा को होगी। सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपने टूर्नामेंट देखा, ये टूर्नामेंट वो करवाना इतना आसान नहीं था। बिना किसी आपके ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता था। और इस टूर्नामेंट को जिन्होंने करवाया, सबसे ज़्यादा योगदान दिया, वो मेरे ब्रदर संजीव घोष। तो बेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैं संजीव घोष को बुलाना चाहूँगा, पता नहीं कहाँ चले गए। ये मेरे ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर हैं और इन्होंने बहुत मेहनत किया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और जिस समय आप ये समझ सकते थे कि कोई कमेटी नहीं थी, उस समय इन्होंने अपने बलबूते पे और आप लोगों के सहयोग से, सिर्फ इनका अकेले का बलबूता नहीं था, आप लोगों के सहयोग से एक एक आदमी ने सहयोग किया और ये टूर्नामेंट सफल हो गया। तो मैं क्लैपिंग के साथ, विद बिग क्लैप के साथ, मैं ये गिफ्ट इनको देना चाहता हूँ बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आप लोग सब आए यहाँ पे, आपने सहयोग दिया, बहुत अच्छा लगा। और मेरे चैनल को भी देखते रहिएगा, उसकी फोटो खींच लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, एक एक फोटो सब्सक्राइब करिए। पहले भी प्राइस बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइज तो क्या है, सारे 32 टीमों ने कोऑपरेट किया जब ये टूर्नामेंट कामयाब हुआ है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अभी थोड़ा सी इनाम बाकी है, अभी बाकी है भाई, रुक जाइए, अभी पब्लिक कम हो रही है, इनाम खत्म नहीं हो रहा है यहाँ से। कप ऊपर करो, कप ऊपर उठाओ, कप ऊपर उठाओ, सारे कप ऊपर उठाओ। भाई जेके काइट क्लब हमारी रेगुलर तीसरी बार फाइनल के अंदर आती थी, लेकिन इस बार भी इन्होंने सोचा था कि इनकी बहुत अच्छी बातचीत थी, इनके बड़े भाई जैसे हैं भाई सलीम,
ये टूर्नामेंट हमारा नहीं लड़ पाए, लेकिन हमने ऐसा हरगिज नहीं होने दिया और इस टूर्नामेंट का रिजल्ट निकला और फर्स्ट विनर जो है हमारे जेके गाइड क्लब हुए और जिन्होंने जीरो पुछते भी फर्स्ट इनाम इन्होंने करा था और सेकंड काले खां पे उसमें भी फर्स्ट है ये और रेगुलर तीसरी बार उसमें भी फर्स्ट है ये। फ्रेंड्स ये देखिए इन दोनों बच्चों के हाथ में ये कप दिया गया है और इनके जो है सपोर्ट में आए हुए टीम के सपोर्ट में आए हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों बच्चे पापा की सपोर्ट में आए हैं अजहर भाई के बच्चे हैं ये। अरे फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये दोनों बेटियाँ जो है अजहर भाई की है और अजहर भाई उधर खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं फोटो शूट करवा रहे हैं और इधर इनके बच्चे हैं और ये अजहर भाई की बेटियां हैं और देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है ये कप लेकर के। थैंक यू बहुत बढ़िया ओके बेटे बाय। फ्रेंड्स ये देखिए और इसने कपड़ा पहन लिया और इधर पैंट पहन लिया इधर जैकेट पहन लिया अब इसको ठंड कम लगेगी और इसका भाई जो है ना वो पतंग उड़ाने में मस्त है, इसका भाई अभी पतंग उड़ाने में ही मस्त है। ये देखिए इतना भारी पतंग पकड़ रखा है, ये ले उड़ा ये ले ये देखिए फ्रेंड उधर देख उधर टाटा कर दे सबको और ये देखिए फ्रेंड पतंग उड़ा रखी है, अंधेरा हो गया है तो पतंग उड़ा रहे हैं, ये देखिए क्या खींच रहा है ये बाय जा ये ले ले पकड़ पकड़ देख क्या कितना सुंदर पतंग है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत पतंग है, इसको अपना पतंग उतारने में लगा हुआ है, उतार जल्दी से उतार ये लो तुम पकड़ लो इसको, ये जैकेट बड़ा हो गया है फ्रेंड्स और ये देख एक और आ गया, इसने अपनी पतंग उतार ली उतार के दिखा ये ले ये भी पकड़ देख कितना सुंदर पतंग है और एक ये देखो फ्रेंड्स एक ये भी है ये भी पकड़ उसको टाटा कर दे फोन को थम्सअप करते थम्सअप ऐसे करके ये। अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लैट्स वुमेन गोस और बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।